शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपने ना एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। मैं शादी करके इस घर में आई और मेरे सामने आप मेरे अपने एक एक करके मेरे पति की बेइज्जती करे जा रहे हैं। सही कहा तुमने आरती, कुणाल आरती के साथ खड़े हो जाओ। दीदी क्या जरूरत है इसकी? जरूरत है कीर्ति, आरती इस घर की बेटी है, कुणाल की पत्नी है, इसका इस घर में गृह प्रवेश करना जरूरी है और वो मैं करूंगी। कुणाल आओ ना, आरती के साथ खड़े हो जाओ। आरती तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस रिश्ते को मैं स्वीकारती हूं। अरे सोनिया तुम वहां ऐसे ही खड़ी रहोगी क्या? आरती तुम्हारी दोस्त है, उसका गृह प्रवेश है, मेरी मदद नहीं करोगी? एक दूसरे को बहन से ज्यादा माना है तुमने, आ जाओ मेरी मदद करो। श्रद्धा ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती? अभय मैं इस रिश्ते को दिल से स्वीकारती हूँ, आरती की शादी हुई है जिस भी परिस्थिति में हुई, जिस भी हालात में हुई, मगर आरती इस रिश्ते से खुश है और उसी की खुशी में हमारी खुशी भी होनी चाहिए। कुछ देर पहले तक तुम सब मेरे भाई को मार मार के इस घर से निकाल रहे थे ना, और अब आरती कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है श्रद्धा? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा ये नाटक। क्योंकि मुझे रिश्ते के मायने पता है रागिनी, मेरे लिए रिश्ते से बढ़कर और कुछ नहीं है, मैं रिश्ते की इज्जत करना जानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आरती भी यही चाहती है ना आरती। चल अब इस कलश पे अपना दाएं पैर मारो और अपना गृह प्रवेश करो। हमारी एक लौटी बेटी के कन्यादान के लिए हमने क्या क्या सपने देखे, अरे माँ का दिल टूटना सबको दिखता है, लेकिन पिता का दिल इसने छल नहीं किया, अरे सिर्फ कुणाल की वजह से। आप ये बहुत गलत कर रही है दीदी, आप तो चेहरा देख के मन भाप लेती है ना, वो आपको दिख नहीं रहा कि पूरा परिवार कितना दुखी है। कीर्ति मैं सबकी नाराजगी समझती हूँ, मगर इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारे परिवार को जोड़े रखना है, और मैं जानती हूँ कि आरती भी यही चाहती। चलो आरती कलश पे पैर मार के अंदर आओ।
अब इस आलते की थाल में अपने दोनों पैर रखो और गृह प्रवेश करो। आरती, आप घर के बड़ों का आशीर्वाद लो। आरती, माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रहते हैं। मुझसे उम्मीद भी मत रखना। तुम्हारी भाभी ने इस रिश्ते को अपनाया ना, तो आशीर्वाद भी उसी से चलो तुम। मुझसे तो बस दूर रहना तुम। आरती, तुम तो जानती हो ना अपने भैया को, जब वो गुस्से में होते हैं तो वो ठीक तरह से सोच भी नहीं पाते हैं। लेकिन उनसे मैं बात करूंगी, मैं मनाऊंगी उनको तुम्हारे लिए। कुणाल, आरती से तुम्हारी शादी हुई है, तुम उसे कुछ तोहफा भी नहीं दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास तो ऐसा धांसू तोहफा है मेरी दीदी के लिए कि देख के उसके रंग उड़ जाएंगे। हो गया आपका, चले। आसानी से मानने वालों में से तो श्रद्धा नहीं है, तो फिर ये सब अपने दिमाग में ये क्या प्लान बना रही है? पूरा प्लान वहां पे चौपट कर दिया आपने दीदू। हम गए थे वहां आरती के रिश्ते की सच्चाई उसे समझाने, और आप वहां उसके रिश्ते को बढ़ावा दे रही थी। अरे तुम्हारी इन्हीं हरकतों के वजह से हम तुम पे गुस्सा करते हैं। अरे तुमने तो जैसे ठान लिया है कि हमारी हर बात को तुम काटोगी। अरे जब हमने तुम्हें बोल दिया है कि हम इस लड़के को नहीं अपनाएंगे, तो क्या जरूरत थी गृह प्रवेश करने की? बोलो। हमारे घर की समझदार बहू, जो हमेशा समझदारी वाला ही काम करती है, आज जिंदगी में पहली बार बद दिमाग वाली हरकत की है तुमने श्रद्धा। और उसके बाद हमसे उम्मीद मत करना कि हम तुम्हारा साथ दें, क्योंकि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। उस कलमुए कुणाल को हमारे पैर की जूते भी दामाद नहीं मानेगी। हम समझ सकते हैं ये सब तुमने आरती की खुशी के लिए की, लेकिन उसकी खुशी के लिए उसे हम गलत रास्ते पर नहीं भेज सकते। एक बार फिर से तुमने जरूरी नहीं समझाना मुझे बताना श्रद्धा, आरती मेरी बहन है और उसके इस पागलपन में तुम उसका साथ दे रही हो। बिल्कुल सही किया है मैंने अभय। श्रद्धा, श्रद्धा ये कैसी जिद है? तुमने अपने दिमाग के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी है क्या कि जो हम तुम्हें बता रहे हैं समझा रहे वो बात तुम तक पहुंच ही नहीं रही? तुम हमें बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच क्या रही हो तुम, बताओ हमें। बुआ जी, आरती ने ये जो कुछ भी किया है ना, वहां से उसे सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा।
आप सब सिर्फ एक बात, अपनी इस नाराजगी को दूर रख के थोड़ा ठंडे दिमाग से सोची, अगर आरती ने इतना बड़ा कदम उठाया वो भी दोबारा, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना। कुणाल ने फिर से एक बार आरती का भरोसा जीता है, और इस बार ऐसा जीता है कि वो पुरानी सारी बातें भूल गई। अरे अगर वो भूल गई है तो क्या हम भी भूल जाए, माफ कर दें उसे। नहीं मम्मी जी, हम उसे बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, और सिर्फ माफ करने का नाटक करेंगे। जिस तरह से उस कुणाल ने आरती का विश्वास जीता है, हमें भी वैसे ही आरती का विश्वास जीतना होगा, ताकि हम कुणाल का विश्वास तोड़ सके। लेकिन सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कुणाल का मकसद क्या है। आप सबने देखा ना कैसे आरती उस कुणाल के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो गई थी। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कहीं वो कुणाल आरती के दिमाग में कुछ ऐसा ना जहर भर दे जो आरती के लिए और बड़ा खतरा साबित हो जाए। अभी उन दोनों को हमारे आंखों के सामने रहना बहुत जरूरी है, ताकि हम आरती को समझा सके कि वो कुणाल उसके लिए कितना गलत है, पूरे सबूत के साथ। दीदी, कुणाल बहुत शातिर है और वो रागिनी का भाई है, कैसे समझाएंगे आरती, कैसे लाएंगे सबूत आरती के सामने? जैसे अब तक करते आए हैं कीर्ति, वैसे ही हम सब मिलकर। अभी चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आरती को कुणाल के करीब नहीं जाने देना होगा। जितना वो उससे दूर रहेगी उतना उसका दिमाग खुलेगा। यार अगर तुमने इतना कुछ सोच ही लिया था तो बैठ के मुझे समझा देती ना, मैं इतना चिल्लाता नहीं। खैर मैं अब समझ गया हूं कि आरती का कान अब उल्टे तरीके से खींचना होगा। अभी मैंने कुणाल को आरती के लिए तोहफा लाने के लिए घर से बाहर भेजा है। लेट ही सही, पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है दीदू, हम समझ गए। और अब हमें पता है कि हमें क्या करना है। हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश खत्म नहीं हो रही है ना रागिनी, अब देखना तुम्हारी इस कोशिश को आखिर कैसे तोड़ूंगी मैं। तुमने अपना बिजनेस भी बिल्कुल ऐसे ही बनाया होगा ना रागिनी, दूसरों के जगह पे ऐसे चोरों की तरह घुस के। अगर मुझे इतने अच्छे से जानती हो श्रद्धा, तो डरो मुझसे, मेरा दिमाग कभी भी पलट सकता है जैसे आज पलटा। रागिनी, मेरे मन में ना तो कोई चोर है और ना ही कोई छल, तो भला मुझे डर किस बात का होगा। देखो ये बात तो हम सब जानते हैं कि तुमने हमारी आरती की मासूमियत का फायदा उठाया। आरती हमारे परिवार का हिस्सा है और तुम्हारे भाई में ही उसकी खुशी है, तो फिर ठीक है, यही सही। जो तड़का मैंने तुम्हारी मुसीबतों पर डाला वो तो जबरदस्त था। तुम्हारे परिवार की शक्लें ना देखने लायक थी। कुणाल मेरे हुकुम का इक्का, जिसे मैंने तुम सबके मुंह पर मारा है। लेकिन हाँ, अब अगर तुम चाहती हो कि मैं अभी के अभी इस घर से निकल जाऊं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, चली जाती हूँ। हाँ लेकिन वहाँ मेरे घर पे बेचारी अकेली आरती के साथ कुणाल और मैं क्या क्या कर सकते हैं ये तुम सोच लेना। सभी गरम तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई क्या? रुको जरा, ये थोड़ा ठंडा लगा लो।
लो। वैसे रागिनी, तुम हमारे आरती की ससुराल वाली हो, तो उस हिसाब से तुम हमारी बहुत ही खास मेहमान हो। अब तुम्हारे भाई की शादी हुई है और किसी ने तुम्हें बधाई भी नहीं दिया ना? अरे ये तो बहुत गलत हुआ। रुको रुको, भाई की शादी बहुत बहुत मुबारक हो रागिनी। मुबारक हो बीवी। तुम्हें बीवी बोलते पे मन में ऐसा लड्डू फूट रहा है ना, क्या बताऊं। वैसे अब जताने का नहीं बताने का टाइम है माय डियर वाइफ। ओहो, नई नई दुल्हन वाली शर्म। तुम्हारी ये जो हरकतें हैं ना, मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दे। अरे अब आ भी जाओ, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। और मैं कभी भी ऐसी बेशरम हरकत मेरी बहन के साथ की ना, तो तेरे पहले से ही फूटे कर्म और फोड़ दूंगा। क्योंकि अगली बार ना गरम गरम तेल तेरे मुंह पर मारूंगा, समझा? ये क्या हरकत है? आरती कहाँ है? हाँ, क्या किया तुमने उसके साथ? गड़बड़ है क्या पंडित जी? कुंडली में घोर कष्ट। तेरे पति की कुंडली में घोर कष्ट लिखे हैं बेटी। शादी तो तूने कर ली उसके साथ, साथ फेरे भी ले लिए, साथ वचन भी ले लिए और जिंदगी भर साथ निभाने के वादे भी कर लिए, पर अगले 7 दिन तुम दोनों के बंधन पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं, बहुत भारी। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? अभी तो हमारी बेटी की शादी की पहली रात नहीं निकली और ऐसे मनुष्य और अपशगुनी समाचार। पंडित जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। कोई उपाय, कोई टोटका कुछ तो होगा। घोर तपस्या करनी होगी, घोर तपस्या। क्या क्या करना होगा पंडित जी? पूरी श्रद्धा से पूजा करनी होगी और पूजा के दौरान वरुण जी, बोलिए ना। अच्छा, हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं पंडित जी। आप बस यही कह रहे हैं कि पति पत्नी को अगले 7 दिनों तक करीब नहीं आना है, यही कहना चाह रहे हैं ना पंडित जी? यही कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये भाभी भी ना नौटंकी के अरमान है बस इनके, करने का मौका आया नहीं कि फैला दिया पूरा रायता। हमारे जैसे मंजे हुए कलाकारों को ही करने दो ना, अब समेटते हैं इनका फैलाया हुआ रायता। हाँ भाभी, आपको याद है ना, हमारे साथ भी यही हुआ था।
आरती बेटा, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उसकी रक्षा के लिए ये सब करना पड़ता है। हमने भी किया था, वरना हमें क्या है? हम तो तुम्हारे पति को सिर्फ तुम्हारी वजह से झेल रहे। हम सब आपकी तकलीफ समझते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि आरती अब बच्ची नहीं रही, आरती बड़ी हो गई है, और इन सब में इसकी मर्जी होना बहुत जरूरी है। आरती देखो, तुम्हें किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा दिल करे ना, तुम वही करना। तुम सिर्फ अपने ही दिल की सुनना बस, और नहीं तो क्या। और तपस्या करना इतना आसान थोड़ी होता है। प्यार चाहिए उसके लिए, सच्चा प्यार। तुम रहने दो, ये भगवान क्या होगा। मैं कर लूंगी। वाह, सच्चा प्यार। मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये भी कर लूंगी। इसी प्यार का फायदा उठाना चाह रहे थे ना तुम कुनाल, अब यही प्यार तुम पे उल्टा भारी पड़ेगा। चतुराई कूट कूट कर भरी पड़ी हो श्रद्धा में, अभी बताता हूँ मैं उसे। अभी नहीं कुनाल, अभी सिर्फ एक रात बर्बाद हुई है कुनाल, लेकिन अब तुम उनकी हर रात और हर दिन को बर्बाद कर सकते हो। आरती तुम्हारी बीवी है, कल नया दिन है, नई शुरुआत करो उसके साथ। उस कान खजूरे कुनाल को ना थोड़ा और बौखलाना था। रितु आज ना आपने बात संभाल ली, वरना सबकी पोल ना खुल जानी थी। क्या हुआ आरती? किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।